हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लॉन्ग एक्सपोजर लाइटिंग ट्रेल्स के बारे में। लॉन्ग एक्सपोजर क्या है और लाइटिंग ट्रेल्स आखिर क्या है। लॉन्ग एक्सपोजर जो है डायरेक्टली रिलेटेड है शटर स्पीड से। एक एक्सपोजिंग टेक्निक जिसमें हम शटर स्पीड को एक्सट्रीम स्लो कर देते हैं, जैसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड, और ऐसा करने से हमें हमारी फोटोज में एक स्मूथनेस मिलती है, एक मिल्की इफेक्ट मिलता है। अगर हम पहाड़ों और झरनों की फोटो कर रहे हैं तो वहां हमें वाटर फ्लो जो है वो शार्प ना होकर एक मिल्की टच में दिखाई देता है। अब बात करते हैं लाइटिंग ट्रेल्स के बारे में। लॉन्ग एक्सपोजर को यूज करते हुए हम लाइट्स को ट्रेल्स की तरह से दिखा सकते हैं, यानी कि एक जैसे माउस पॉइंटर आपने देखा होगा, माउस पॉइंटिंग ट्रेल्स होते हैं जहां जहां हम माउस पॉइंट को मूव करते हैं तो एक के पीछे एक बहुत सारे माउस पॉइंटर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे एक के पीछे एक चलते हुए दिखाई देते हैं। सेम इफेक्ट अगर हम हमारे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में लेना चाहते हैं तो उसे कहते हैं लाइटिंग ट्रेल्स, और इस टेक्निक का इस्तेमाल हम कई तरह से कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपको घोस्ट ट्रेल्स इफेक्ट दिखाने जा रहा हूं। हम थोड़ी देर में बाहर चलते हैं और इसे शूट करते हैं। जब हमारे पास एक्सपोजर एक्सट्रीम स्लो होता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो उस समय के दौरान हम इधर उधर मूव करते हैं और सारी की सारी फोटोज कम्युलेटिव होकर एडिंग अप होकर हमें एक सिंगल फ्रेम मिलता है जिसमें वो सारी मूवमेंट दिखाई देती है। और इसी टेक्निक का, यानी कि लॉन्ग एक्सपोजर टेक्निक का यूज करते हुए आप अपने आप से बहुत सारी फोटोज कर सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आप लॉन्ग एक्सपोजर टेक्निक का यूज करते हुए किस तरह की फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो पहले आप ये वीडियो देखें और मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा कि आप लॉन्ग एक्सपोजर से और किस तरह की फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। इस तरह की फोटोग्राफी के लिए घोस्ट इफेक्ट देने के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अंधेरा, और उसके बाद हमें चाहिए एक मोमबत्ती। मैं आपको लाइट जलाकर सारा सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ लगा है हमारा कैमरा और ये है वो साइट। ये मोमबत्ती वहाँ स्लैब पर रखी होगी और इस स्लैब से मोमबत्ती उठाकर मैं मूव करूँगा यहाँ तक। आप जैसा इफेक्ट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मोमबत्ती यहाँ प्लेस कर दी गई है और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं अपने मोबाइल रिमोट कैमरा को DSLR से कनेक्ट कर लेता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद पूरा सीन सेट होने के बाद मैं इसे ऑन कर दूँगा। मैंने यहाँ से मोमबत्ती उठाई और एक मूवमेंट ली जो कि हमने पहले से प्लान की थी उस तरह की। तो अब देखते हैं रिजल्ट। तो ये है हमारे घोस्ट इफेक्ट की पहली इमेज जिसमें मेरी मूवमेंट थोड़ी फास्ट है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने घोस्ट को कम दिखाना है तो आप फास्ट मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज आप स्लो स्टेप लेंगे, जिससे कि आपका जो घोस्ट है वो ज़्यादा, उसकी अपीरेंस जो है वो ज़्यादा होगी। फ़र्क आप इस फोटो में देख सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर टेक्निक पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।